हेलो हाय एवरीवन, मैं कोस्टल कर्नाटका मीन्स करावली कर्नाटका का बोट में फिश को पकड़ के उस फिश का फिश करी बनाने वाला वीडियो आपको लेकर आया हूँ। इसमें आप मछली कैसे पकड़ते हैं और उसका फिश करी बनाते हैं बोल के दिखाता हूँ। ये बोट डॉक पर आ रहा है और इधर रुक रहा है। बोट अभी डॉक पर खड़ा हुआ है। इधर से हम मछली पकड़ते हैं हुक के जरिए। देखो अभी बोंडास मछली के पीस से हम सैडी फिश को पकड़ते हैं। इधर इसको सैडी बोलते हैं। देखिए वो बोंडास को हुक में फंसा रहा है और अभी डाल दिए इसमें। ये देखिए क्या फिश पकड़ लिया इन्होंने, कैसे निकल रहा है बाहर। इसको इधर सैडी बोलते हैं। इसका जो कांटा है ना वो बहुत खतरनाक है, लग गए तो सब ठीक हो जाता है और घाव भरने में बहुत देर हो जाता है। और एक मिल गया देखो। इसको हाथ से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, कांटा लग गया तो बहुत पछताना पड़ेगा बाद में। पड़ा रहा है बोट डॉक के अंदर आ रहा है। डॉक थोड़ा थोड़ा ग्रामर मिस्टेक हुआ तो माफ कीजिए, क्योंकि हमारी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है। पर मेरे को अच्छे से तो बात करने को आता है, पर कभी कभी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, एकदम फ्लो में नहीं आता है। देखो और एक मछली पकड़ लेना है। इनको जो तकनीक सब आता है वो कैसे निकालने का, वो कैसे पकड़ने का, आपको तो देखने में आसान लगता है पर बहुत मुश्किल होता है वो। बहुत बोट आते रहते हैं जाते रहते हैं इधर।
डॉक पर अभी अनलोडिंग किया जाता है, कहीं बोट आइस पर रखा रहते हैं। मीडियम साइज वाला अभी हमने थोड़ा बहुत मछली पकड़ ली है और वो अब कवर में डाल रहे हैं और अभी इसका फिशकरी बनाते हैं। देख लीजिए अभी अभी इसका कटिंग किया जाता है, अभी दिखाता हूँ कैसे बोल के। और फिशकरी भाई साहब अभी तैयार है कटिंग करने के लिए, देखो कैसा करता है। बल्कि ये चाकू से कटिंग कर रहा है, बोट में तो सब इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं रहता है ना, इसी से काम चलाना पड़ता है। इनको सब एक्सपीरियंस है वो कटिंग करने और देखने में तो बढ़िया। ये लोग तो प्रोफेशनल है, देखो कैसे काट करता है। जो नहीं चाहिए उसको बाहर निकल रहा है। इसके लिए भी थोड़ा स्किल चाहिए। कटिंग का काम खत्म हो गया है, देखो कैसा छोटा छोटा पीस बनाने में। अभी इसका पीस कर ये पक्कर बोलते हैं इसको, इधर पता नहीं दूसरे जगह पर क्या बोलते हैं इसको। अभी बर्तन में पानी डाल के इसका सफाई किया जाता है ऐसे। पहाड़े और कुकर पिसका पिसकरी बना रहा है। ಇದು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹಬ್ಬ ಉಂಟು, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ
रेडीमेड मसाला है, इधर तो पास के दुकान में मिलता मसाले है। ये मसाले साढ़े पदार्थ साढ़े सांबर। कुक तो बोल रहा है खाने में तो बहुत टेस्ट लगता है फिश बोल के, और ये तो कभी कभी मिलता है, डेली तो ना बनाते हैं। पहले ये मसाला रख दिया जाता है, अभी थोड़ा गर्म होने के गर्म होने के बाद मछली डाल दिया जाता है। अभी मछली डाल रहा है और थोड़े दूर मछली छोड़ दिया जाता है। ಅಂತದಾದ್ರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಯಾರವರ ತರತ್ತಿ ಬಂದೆ अभी तैयार हो गया है पप्पू, अभी छोटे छोटे पे डाल रहे हैं इस पर फिश करी। इसको बॉइल्ड राइस के साथ खाया जाता है, बॉइल्ड राइस है। बॉइल्ड राइस और फिश करी का कॉम्बिनेशन का टेस्ट करते हुए नोड़ा